आए दिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही थी। इसी बीच एमआरडीसी परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। इस कार्रवाई के दौरान एमआरडीसी परिवहन विभाग क्रमांक एक में कार्यरत एक महिला कर्मचारी को एक बदमाश ने तेज गति से टक्कर मारकर घायल करने की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता की शिकायत पर 39 वर्षीय नीतू चंद्रशेखर पेटकर, जो कि 2001 से ही नागपुर शहर पुलिस बल में तैनात है, वर्तमान में 2018 से यातायात एमआरडीसी जोन में एक नायिका महिला पुलिस के रूप में काम कर रही है। महिला पुलिस कर्मचारी शुक्रवार को सीआरपीएफ केट हिंगना रोड पर अपनी ड्यूटी निभा रही थी। साथ में महिला पुलिस कांस्टेबल आशा बोरकर ट्रैफिक एमआरडीसी सुबह 9 बजे से ही साथ में थी। हिंगना एमआरडीसी नागपुर रोड की ओर जा रही होंडा स्प्लेंडर क्रमांक MH40BB7028, जिसे महिला पुलिस ने चालक के पास हेलमेट ना होने की लापरवाही के लिए रोकने का इशारा किया, तो उसने लापरवाही से वाहन को अपने कब्जे में कर लिया और आशा बोरकर को टक्कर मार घायल किया, जिस कारण महिला के दोनों पैरों और बाएं हाथ और कंधे में चोट लग गई। लोगों की मदद से चालक को पकड़ लिया गया है। बदमाश का नाम रवि शामराव बोटरे, उम्र 23 साल, बुटीबोरी निवासी होने की बात बताई गई। घायल महिला को लोगों की मदद से इलाज के लिए लता मंगेशकर अस्पताल पहुंचाया गया। वाहन को न रोकते हुए सिर पर हेलमेट बिना तेज गति से टक्कर मारकर घायल करने के लिए आरोपी रवि शामराव बोटरे को विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई। इस संदर्भ में एमआरडीसी यातायात विभाग पुलिस निरीक्षक संजय जाधव इनके संपर्क किए जाने पर कहा कि ट्रैफिक पुलिस दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने की और नियमों का पालन करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई जाता है या टक्कर मारकर चोट देने की कोशिश करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मी संजय जाधव, पोलीस निरीक्षक, एमआरडीसी वाहतूक विभाग, नागपूर शहर। नागपूर पोलीस आयुक्त माननीय अमितेश कुमार सर व पोलीस उपायुक्त विक्रम साळी सर, वाहतूक विभाग यांचे आदेशान्वये जे या कोरोनाच्या महामारीच्या काळामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा पालन करत नाही, विनाकारण घरातून बाहेर फिरत असतात, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी व ह्या कारवाईच्या हेतूने लोक घरातून विनाकारण बाहेर पडणार नाहीत आणि एक प्रकारे हा आजाराला खेळ बसेल, आजारापासून संरक्षण होईल या हेतूने आम्ही कठोर कारवाई करत आहोत। आज रोजी एमआरडीसी सीआरपी गेटच्या इथे आशा बोरकर या महिला पोलीस शिपाई आहेत, त्यांनी हेल्मेट न घालणाऱ्या एका मोटर चालकाला इशारा केला, थांबण्याचा इशारा केला, त्याने न थांबता वेगाने गाडी चालवून महिला कर्मचारी यास ठोकर दिलेली आहे आणि त्यामुळे महिला कर्मचारी या जखमी होऊन लता मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत, त्यांना जखमा झालेल्या आहेत। ह्या गुन्ह्यामुळे त्यांचा गुन्हा एमआयडीसी पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करून त्यामध्ये रवी बोटरे या इसमस मोटरसायकल चालकास अटक केलेली आहे, त्याच्यावर गुन्हे दाखल केलेले आहे। हे सर्व टाळण्यासाठी आणि हे एवढं दुर्दैवी घटना आहे तर हे टाळण्यासाठी माझ्या जनतेला नम्र विनंती आहे की आपण घरातून निघताना वाहनाचे परवाने, मोटरसायकल हेल्मेट तसेच मास्क ह्या नियमाचा, सर्वसाधारण नियमाचा पालन करावं, जेणेकरून आपल्याला रस्त्यावरून फिरताना भीती वाटणार नाही, पोलिसांचं संरक्षण मिळेल, समाजाचं त्या एक प्रकारे संरक्षण मिळेल। आणि हे सर्व कठोर कारवाई जी पोलीस करत आहे ह्याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्येक नागरिकाला फायदा होत आहे, फायदा होणारच आहे, याचा विश्वास ठेवून प्रत्येकाने पोलिसांना सहकार्य करणे अपेक्षित आहे। तरी असे दुर्दैवी घटना होऊ नयेत, पोलिसांना बघून पळून जाण्याच्या जो ते मार्ग पत्करतात हा स्वतःसाठी पण घातक आहे आणि पोलीस कर्मचाऱ्यासाठी घातक आहे, तर ह्यापासून परावृत्त व्हावं आणि नियमाचं पालन करून भारताचा एक कोरोनाच्या महामारीतून मुक्त करण्यासाठी आपलंच वैयक्तिक योगदान द्यावं, हीच मी अपेक्षा बाळगतो। जय हिंद। NBCN न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।